हेलो एवरीवन, शरद पूर्णिमा का त्योहार आने वाला है, इसीलिए आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। इस दिन को कोजागिरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, इसीलिए पूर्णिमा वाले दिन शाम को भगवान के भोग में खीर का प्रसाद बनाया जाता है। इसी खीर को रात को चंद्रमा की रोशनी में यानी कि चंद्रमा की चांदनी में खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है और अगले दिन सभी को प्रसाद रूप में खीर बांटी जाती है। भगवान के भोग के लिए बनने वाले खीर के प्रसाद को किस तरह बनाते हैं, चलिए देखते हैं। 1 लीटर दूध, 1 कप शुगर या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 कप चावल, रेगुलर यूज में जो चावल यूज होते हैं वो भी कर सकते हैं, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, इसमें काजू, बादाम और किशमिश। यहाँ पर मैंने खीर को एक अलग फ्लेवर देने के लिए कच्चे नारियल का यूज किया है। कच्चे नारियल में बनाई हुई खीर का टेस्ट बहुत ही अलग और टेस्टी होता है। 1 स्पून चिरौंजी, 3 से 4 हरी इलायची। सबसे पहले चावल को धोकर और पानी में 10 मिनट के लिए भिगोकर रख देंगे। अब हम दूध को एक बर्तन में डालकर गैस पर उबलने के लिए रख देंगे। इधर हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 1/4 स्पून देसी घी लेंगे और इसमें भीगे हुए चावल का पानी निकालकर चावल को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इस प्रोसेस को करने से खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चावल को हम स्लो गैस पर धीरे धीरे भूनेंगे। चावल में से थोड़ा थोड़ा खुशबू आना शुरू हो गया है। इधर हमारा दूध भी बॉइल्ड हो चुका है। अब इसमें भुने हुए चावल धीरे धीरे कर मिक्स कर देंगे। और इसको चला देंगे। अब इस चावल और दूध के मिक्सचर को धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। जो बर्तन है वो हैवी बॉटम का लिया है, जिससे खीर बॉटम पे लगे नहीं और जलने की स्मेल नहीं आए। देखिए यहाँ पर थोड़ी देर बाद चावल पक चुका है, लेकिन ये खीर में अभी मिक्स नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम खीर को और पकने देंगे। कच्चे नारियल को ग्रेट कर लेंगे। 1 लीटर दूध में करीब 1 पीस कच्चा नारियल काफी है। ये अच्छे से ग्रेट हो गया है। अब इसको खीर में डाल देंगे। अब कच्चा नारियल, चावल और दूध एक साथ इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कच्चे नारियल का फ्लेवर खीर में बहुत अच्छे से आ जाएगा और ये दोनों आपस में मिक्स भी हो चुके हैं। अब इसमें जब हमारी खीर अच्छे से पक चुकी है, इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर देंगे और थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स हम प्रेजेंटेशन के लिए बचाकर रख लेंगे। चिरौंजी ये सब डालकर मिक्स कर देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए खीर को और पकने देंगे।
खीर जितना धीरे धीरे स्लो आंच पर पकेगी उतना ही ज्यादा अच्छा टेस्ट है। जब खीर को पक चुके गैस ऑफ करके तभी हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अगर हम पहले ही उबलती खीर में इलायची पाउडर ऐड कर देंगे तो इलायची की जो अपनी स्मेल है वो निकल जाएगी, इसीलिए गैस ऑफ करने के बाद ही हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब ये खीर एकदम रेडी है। अब इसको ऊपर से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे। अब इस खीर को भगवान का भोग लगाकर रात को चांद की चांदनी में रख दें और अगले दिन प्रसाद रूप में बांट दें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए।